की सौगात के लिए शहर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार बहादुरगढ़ शहर को मेट्रो का तोहफा देने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो लाइन का शुभारंभ करेंगे। बहादुरगढ़ के सिटी पार्क मेट्रो स्टेशन के पास उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। मेट्रो के शुभारंभ अवसर की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर शुरू कर दी गई हैं। शुक्रवार को विधायक नरेश कौशिक, उपायुक्त सोनल गोयल व एसपी पंकज नैन ने डीएमआरसी के अधिकारियों के साथ उद्घाटन स्थल तथा नवनिर्मित मेट्रो स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान विधायक नरेश कौशिक ने कहा कि बहादुरगढ़ शहर देश की राजधानी से सटा है, लाखों यात्रियों का आवागमन देश की राजधानी से रहा है। ऐसे में मेट्रो सेवा के शुभारंभ के साथ ही क्षेत्र ही नहीं बल्कि पश्चिमी हरियाणा के लोगों को यातायात का सुगम साधन उपलब्ध होगा। ये बहादुरगढ़ हलके की विकास की धुरी और लोगों की आशा की किरण। मेट्रो का उद्घाटन 24 तारीख को माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा करने जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और दिल्ली डेवलपमेंट मंत्री पुरी साहब ये यहाँ पर मौके पर आएंगे। साथ में हमारे कृषि कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी भी होंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से जो है उद्घाटन समारोह में पहुँचेंगे। सुबह 9:30 बजे के करीब वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उद्घाटन होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को संबोधित करेंगे। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहादुरगढ़ हलके की सम्मानित जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का और बहादुरगढ़ हलके के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं की तरफ से, पूरे हलके की सम्मानित जनता की तरफ से, हरियाणा प्रदेश की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहादुरगढ़ के लोगों के लिए जो सौगात दी ये बहुत ही जरूरी थी और काफी दिन से ये काम लटका हुआ था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी काम में तेजी आई और समय पर काम को पूरा किया गया। इसके लिए बहादुरगढ़ की जनता देखिए आगे के लिए भी प्रयास सरकार का है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आगे तक भी इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि मेट्रो तो जहाँ तक जाएगी वहाँ विकास की धुरी, मेट्रो के साथ साथ विकास चलता है। 24 तारीख को जो हमारे पास हेडक्वार्टर से मैसेज आया है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ब्लॉक से वीसी के थ्रू मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो लाइन का शुभारंभ करेंगे और यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित रहेंगे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी जी और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी। उसी की अरेंजमेंट्स को देखने के लिए आज हम सभी अधिकारियों के साथ यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। एक छोटा प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा इसी प्रीमाइसिस के अंदर और उसके बाद जो अभी इन्फॉर्मेशन है वो है कि सीएम साहब फिर यहाँ से एक मेट्रो की टेस्ट राइड भी करेंगे। इस पूरी लाइन के अंदर 7 मेट्रो स्टेशन हैं जिसमें 4 दिल्ली में हैं और 3 बहादुरगढ़ में पड़ते हैं। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अराउंड 1500 करोड़ की है जी। जो बताया गया है करीबन 9 मिनट का गैप रहेगा इसमें हर गाड़ी को आने का और बहुत ही अच्छी ये बात है क्योंकि राइडरशिप की अगर हम बात करें तो 1.25 से 1.5 लाख लोग इसमें डेली राइडरशिप करेंगे तो पूरे बहादुरगढ़ शहर के लिए बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का हम पूरे झज्जर जिला की ओर से धन्यवाद देते हैं। तो फीडर बसेस भी जो मेट्रो के द्वारा चलाई जाती हैं वो चलाई जाएंगी, साथ ही साथ जो हमारी पब्लिक जो पैसेंजर सिस्टम है जो पब्लिक का है उसको